नमस्कार। जैसे कि मैं हमेशा माता और बच्चे से रिलेटेड टॉपिक लेके आती हूँ, आज का टॉपिक है गर्भवती महिला में अगर वजन ज़्यादा हो या मोटापा हो तो गर्भ के समय उन्हें उनके खान पान में कैसा रखना चाहिए, क्या जांच करानी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण कहते हैं, कुपोषण का मतलब होता है कम पोषण या अति पोषण। तो आज मैं बात करूंगी अति पोषण। तो गर्भवती महिलाओं में अगर अति पोषण ज़्यादा है, मतलब उनका वजन ज़्यादा है, मोटापा है, तो इन स्थितियों में बच्चे के लिए ये भी हानिकारक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कम वजन के बच्चे पैदा हो सकते हैं, IUGR हो सकता है। तो किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें क्या खान पान में रखना चाहिए। वह दिन भर में जो भोजन करती हैं उसकी मात्रा जो है छोटे छोटे भागों में लेना चाहिए। भोजन में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, भोजन में आहार में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार साग सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, छिलके वाली दाल होनी चाहिए, साबुत अनाज जैसे कि मोटा अनाज जिसे कहते हैं, मोटा अनाज में जैसे बाजरा रागी इसे लेना चाहिए। दूध अगर ले रहे हैं तो दूध बिना मलाई वाला दूध लें। चीनी का सेवन, चीनी और काफ़ी ना करें। रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज चलकर सैर करें या व्यायाम या योगा करें, और पानी की भरपूर मात्रा लें, यानी कि 8 से 10 गिलास पानी पिए। अब है कि मोटापा किसे कहेंगे। जब BMI यानी कि 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तब इसे कहेंगे अधिक वजन। किसी में तो इनमें क्या है कि जो भी बड़े भोजन ले रहे हैं तो हम इसमें क्या कैसे खाना खा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि चना पुलाव बना सकते हैं, अंकुरित चना का चाट बना सकते हैं, या उत्तपम, दलिया ये खा सकते हैं। तली मीठी चीज़ें का सेवन बिल्कुल ना करें, या पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन के ना खाएं। किसी भी दो छोटे भोजन को पौष्टिक नाश्ते के साथ बदलें, जैसे कि छाछ या हरी पत्तेदार सब्जी के साथ माड़, नमकीन पीठा, फूट रायता कह सकते हैं, इडली, चना दाल टिक्की, अंकुरित चना चाट, इस तरह से बनाकर उसे अपने आहार में ले सकते हैं। बाहर का खाना ना खाएं। खाना बनाते समय जो तेल या घी का इस्तेमाल ना करें। और इन्हें करना क्या चाहिए, इन्हें अपनी जांच नियमित करानी चाहिए। जांच में खून में शुगर का जांच, रक्तचाप, वजन वृद्धि की जांच रेगुलर करानी है, एंटीनेटल चेकअप टाइमली कराना है। कब कराना है, 7 महीने तक हर महीने करानी है। 7 महीने के उपरांत 8वां महीना हर 15 दिन पे कराना है, और 9वां महीना में जो है हर वीकली अपना हेल्थ चेकअप कराना है। क्योंकि इस कम अधिक वजन वाली महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और प्रसव के समय मुश्किल हो सकती है, इसीलिए हमेशा एंटीनेटल चेकअप डॉक्टर करवाएं और डॉक्टर की निगरानी में रहें।